लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए तीन निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तीन विधायकों सोमबीर सांगवान, रणधीर गोलन और धनपाल गोंदर ने यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। आपको बता दें, तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उदय भागन की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। वापस लेने का इस तरह का जिन स्कैम हमने निर्णय लेने की 36 राज्य ने 25 बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, तो उस समय सरकार बनाने में उनको जरूरत थी, हमें बुलाया गया। बार बार हमने अपनी जनता से पूछा, पांच विधायक हम ऐसे थे, श्री नैनपाल भारत, श्री सोमवीर सावधान, श्री पंथी गोलन जी और एक में हम उन्हें लौटते हुए नमक डाला भाई, जब तक श्री मनोहर लाल जी हैं उसको हम समर्थन दें। फिर हमारे सेनापति जी चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख है। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है यहाँ, जो दो फ्लोर हैं लोकेली में, श्री सिंह सिंह जम्बा, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं हमारे साथ, कई दिन से ये कह रहे थे तुम हमारे साथ। देखिए, हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय उतर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कई फैमिली आई थी और कई प्रॉपर्टी आई थी, उससे हर गांववासी शहरवासी दुखी है।